नेता हम ही कलके में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा चेहरा हम आपके सामने ला रहे हैं जिससे शायद ही कोई अनजान हो, चाहे फिर वो राजनेता हो या फिर पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी अपनी पार्टी हो या फिर उनकी विरोधी, सबके किसी के दिल में रहते हैं तो किसी के दिमाग में। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की। वाजपेयी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो नेता हम ही हैं कल के? सर आज भी हैं तो मैं तो अभी कल को देखता नहीं हूँ, अभी तो आज ही बहुत कुछ करना बाकी है। तो मैं बहुत पॉजिटिवली चीजों को देखता हूँ, होते हुए भी देख रहा हूँ, और आने वाला समय और मजबूत है, आप देख के चलिए। चलिए, आपने माना कि नेता हैं। वैसे भाजपा में कहा जाता है कि कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता में सब समाहित हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम थोड़ा पिछले पन्नों को पलटना चाहते हैं। इन दिनों आपका दवाखाना चर्चे में है, पर जितना मुझे याद है जब भाजपा से आप जुड़े थे तब दवाखाना माने झोला छाप जो डॉक्टर थे उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो दृश्य याद है। बीजेपी कार्यालय के सामने भीड़ लगी थी और शिवराज जी भी उस मंच पे जाते हैं। तो तब का दवाखाना और अब का दवाखाना, कितने उतार चढ़ाव आए, उस शुरुआती दौर को कैसे याद करेंगे? देखिए, शिवराज जी उस समय उनकी पहली टीम में मैं आया था डॉक्टर सेल का प्रदेश अध्यक्ष होके। तब एक बड़ा टास्क हमारे सामने था कि हम किस प्रकार से उस समुदाय के लोगों को जोड़ें, और फिर हमने मंडल मंडल प्रवास किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और देखिए, मैं बार बार इस बात को कई बार कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं आपके माध्यम से, कि लोगों ने शिवराज जी को भूल गए कि अध्यक्ष के रूप में कैसे थे वो। लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में याद करते हैं, बहुत अच्छे सफलतम मुख्यमंत्री है, पर मेरी नजर में आज भी उससे 20% ज्यादा बेहतर वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतनी सूझबूझ के साथ वो फ्रीडम के साथ संगठन चलाने देते थे, और इसी कारण हमने बड़ी संख्या, लगभग 1.5 लाख लोगों को हमने इकट्ठा किया, और मुझे ध्यान है लगभग 8 कार्यक्रम हमने किए, और सभी में शिवराज जी को सब बोलते थे इसमें जाना नहीं जाना, आप सोच लीजिए तब मुख्यमंत्री बन गया। धारणा थी यार झोला छाप डॉक्टरों को, ये भाजपा और भाजपा का भी एक डॉक्टर उसके पीछे लग गया है, थोड़ा सा अलग परसेप्शन बन रखा था ना झोला छाप। बिल्कुल नहीं, और उसमें क्या होता था कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे उनका बहुत प्रभाव था, और बाद में तो ये हो गया राकेश जी कि इसमें से कई प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ते थे लेकिन रहते हमारे साथ थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज भी वो सीनियर पोजीशंस में है कांग्रेस की। तो मुझे बहुत स्नेह मिला और मुझे बहुत अपनी इस विधा का सहयोग भी मिला, और जो आपने बात कही कि मैं इनके दिमाग में नहीं दिल में बसा, इसकी मुझे अवसर जो है वो शिवराज जी ने दिया। मुझे लगता है कि कुछ विरोधियों के साथ कुछ अपने भी है जिनके आप दिमाग में ज्यादा रहते हैं, दिल में तो जिसने बसा रखा होगा वो तो होंगे ही। सर और पीछे जाते हैं सर, स्टूडेंट लाइफ आपकी शायद महाकाल की शरण में आप पहले ही पहुंच गए, स्कूली शिक्षा वहां होती है, लेकिन इंदौर उज्जैन से इंदौर पहुंचते जो मेडिकल की शिक्षा है, भाई राजनीति में एक डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं, डॉक्टर आपके मार्गदर्शक मोहन भागवत जी भी हैं, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी को ऐसा क्या सूझा कि डॉक्टरी का पैसा छोड़ दिया, छूट गया, या स्थितियां ही ऐसी बनी कि उसको तिलांजलि देना पड़ा, क्योंकि आपने तो नौकरी भी की है बाकायदा सरकारी। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा, फादर प्रोफेसर रहे, तो स्वाभाविक है कि उस समय ये था कि बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे, तो मुझे भी कुछ बनना था। तो उस समय तो अगर डॉक्टर में एडमिशन हो रहा है तो पूरे परिवार में तो रोज दीपावली मनाई होगी। बिल्कुल, बहुत एम्बिशंस के साथ मैंने इंदौर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन करने के बाद वो दौर था, आपको ध्यान हो 89 एडमिशन था मेरा, तो 90 का दौर था, अटल जी के भाषण गली गली गूंजते थे, तो वो सुन सुनकर हम कह सकते हैं मैंने इस बात पर यकीन किया कि मैं अपनी ओपीडी से 10 मरीजों का भला कर सकता हूं, अपनी ऑपरेशन थिएटर से महीने में 20 मरीजों का इलाज कर सकता हूं, लेकिन यदि आप पॉलिसी मेकिंग में नेशनल बिल्डिंग एक्सरसाइज में आते हैं तो आपका पूरे जीवन में किया गया एक निर्णय राकेश जी इस देश को मजबूत बनाने के लिए काम आ सकता है। तो लोग कुछ कुछ करते ही हैं सब लोग, तो मैंने कहा क्यों ना। तो वो जो निर्णय है वो परिस्थितियां क्या थी सर, परिवार को भरोसे में लिया था या दोस्तों के बीच में ही कुछ ऐसा माहौल बना था, या फिर उस समय तो ये टीवी वगैरह नहीं थे जो अटल जी ने आपको उनके व्यक्तित्व ने प्रभावित किया, तो वो वजह क्या थी कि वाकई में कि डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद राजनीति की ओर आगे बढ़ते हैं? देखिए, बुनियाद फर्स्ट या सेकेंड ईयर में डल गई थी, 90 का दौर था, राम मंदिर का आंदोलन था, रणवीर सिंह भदौरिया जी हमारे विभाग प्रचारक होते थे, अभय जैन जी उनके सहयोगी थे, नवल प्रजापति जी आज भी हैं, नवल जी जो है नवल किशोर शर्मा जी, ये सब लोग, इनके सबके संपर्क में आया, तो संघ की एक बड़ी टीम के मैं संपर्क में आया,
ये सेकेंड ईयर की बात है, एमबीबीएस कर रहे हैं जी जी, और फिर धीरे धीरे खुरापाती दिमाग में बहुत कुछ आने लगा था डॉक्टरी के साथ साथ। बहुत सारी बातें मैं आपको कैमरे पर कहते ना सर की कंसेंट्रेट तो बनाना पड़ता है जब एमबीबीएस कर रहे हैं, पर आपका दिमाग जो नाम आपने लिए और फिर संघ भाजपा से पहले संघ ने आपको प्रभावित किया। देखिए विद्वान व्यक्ति विध्वंसक ना हो जाए इसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे लोग दिल में जज्बा लिए घूम रहे हैं देश में जो बहुत बड़ी ऊर्जा के पिंड हो सकते हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको काम करने का अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देता आया है। किसी ने आपको बुलाया, किसी की डिमांड, या आप खुद चलकर पहुंचते हैं? हमारे हॉस्टल में बैठके होती थी, जैसा मैंने बताया कि राम मंदिर का दौर था। हाँ, स्वर्गीय रणबीर सिंह भदौरिया जी आते थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी साहब, मतलब उनके जैसा जिसको चुंबकीय व्यक्तित्व जिसको बोला जाता है, आज भी याद करता हूं मैं उनको। तो जब वो आते थे रचना कार्यालय से तो हम लोग सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और उनकी बातें कश्मीर पर सुना करते थे, जो भाषण अटल जी के सुनते थे हम उनसे सवाल जवाब करते थे, और सवाल जवाब करते 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 कब हो गए सब हमें आज भी नहीं पता लगा। और हमें फक्र है इस बात का कि कम से कम हमारे जीवन को एक दिशा मिली राकेश जी। और हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स बन जाते हैं और काम भी करते हैं, जाने भी जाते हैं, नहीं भी जाने जाते हैं, एक जीवन आपको मिला है राकेश जी। तो यदि हम इस बात का इंतजार करेंगे कि देश के लिए पड़ोस से निकलकर कोई काम करने आएगा तो ऐसा तो सामने ही होने वाला है। तो एक अटेम्प्ट है, या तो कुछ कर जाएंगे या फिर बहुत लोग चले जाते हैं। हमारे डॉक्टर एचएस वाजपेयी जी बहुत कुछ छोड़कर आए हैं, जो उनका अपना था, जो उन्होंने हासिल किया था, क्योंकि राजनीति तो कहते कुछ नहीं तो पत्रकार बन जाओ या राजनीति में आ जाओ, ऐसी भी एक धारणा है, हालांकि लोगों ने उसको तोड़ा है, पर डॉक्टर वाजपेयी तो कंप्लीट करते हैं। तो नौकरी कहां तक करते हैं सर? वल्लभ भवन की सीढ़ियां चढ़ने से पहले किसी अस्पताल में मरीजों से आमना सामना हुआ आपका? देखिए मैं इंदौर से करने के बाद मैंने 3 साल लगभग रेसिडेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एंड न्यू दिल्ली से की, रामनो लोहिया में भी मैंने रेसिडेंसी की 1 साल, फिर यहां आने के बाद मैं बीएचएल में भी रहा कस्तूरबा हॉस्पिटल में, वहां से मैंने डीएनबी सर्जरी किया, मैं उसकी थीसिस नहीं दे पाया। आप सर्जन है? हाँ, मैंने 3 साल रेजिडेंसी सर्जरी करी और थीसिस सबमिशन के टाइम में मेरा पीएससी सिलेक्शन हो गया राकेश जी। तो मध्यम एक और मोड़ आता है कि डॉक्टर हाँ। होते हुए आईएएस आईपीएस की तरफ भी? हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने ही मूलतः मैं दिल्ली गया था। ये दो नाव में सवारी आपको नुकसान पहुंचा गई या किस्मत रंग नहीं लाई या राजनीति में ही आना था? मुझे लगता है उस दौरान जो मैंने अध्ययन किया, देखिए यूपीएससी की तैयारी आपके दिमाग के सारे आयाम खोल देती है। जैसे आप पत्रकार लोग आप सब चीज को पढ़ते हो, हम टेक्नोक्रेट्स को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो जब उस तैयारी के दौरान हमने देश की इकोनॉमी को पढ़ा, हमने देश की हिस्ट्री को पढ़ा, फिर से हमने एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा, तो जब आप इस तरीके से बहुआयामी तरीके से देश को समझते हो और पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि एवरीथिंग इज नॉट मेडिकल साइंस। और देश को मुझे लगता है सभी आयामों से देखने की जरूरत है और उसके बाद काम करने की जरूरत है। ये कब सर, जब नौकरी कर रहे थे तब यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नहीं, ये उसके पहले दिल्ली के दौरान की बात है, उसके बाद फिर पीएससी में। तब तक अटल जी प्रभावित कर चुके थे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हम फिर यूपीएससी कैसे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए जब मैं दिल्ली था यूपीएससी की तैयारी करता था तब अटल जी की सरकार भी आ गई थी कुछ दिनों के लिए। 13 दिन वाली या 13 महीने वाली? यस, वो सारी 13 दिन 13 महीने 13 घंटे सब आंखों के सामने देखे हुए हैं। और बहुत सारे घटनाक्रम का तो मैं पार्ट एंड पार्सल भी रहा हूँ, वो मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा। तो एक जुनून हम लोग जानना चाहते सर, ये पूरा प्रोग्राम उस शख्स के इर्द गिर्द ही है जिसने संघर्ष किया है, जिसने लोगों से सीखा है, हम उसकी जवानी ही उसकी बात को सामने लाना। देखिए छोटी बात मैं कहूँ तो चूंकि मैं उनकी कोर टीम के संपर्क में था अटल जी की, पंडित रामशंकर अग्निहोत्री जी जो रहे हैं वो मेरे नाना जी के छोटे भाई थे, मध्य प्रदेश से रहे, 5 जन के संपादक भी रहे हैं और झांसी के सांसद रहे हैं अग्निहोत्री साहब, सब हम लोगों का एक समूह था जो अटल जी के कोर कमेटी में ये लोग करते थे। तो मैं उन सबके बीच में सबसे छोटी उम्र का था तो मैं प्रिविलेज था उस टीम में जानकारियों के लिए और घटनाओं के लिए। और वो दौर ऐसा था, नॉर्थ एवेन्यू सेंटर होता था और हम लोगों का राम मनोहर लोहिया 10 कदम पे था, तो हम लोगों की एक्सेस थी, तो एक्सेस के कई लाभ मिले और हम और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम कह सकते हैं कि काम करने के लिए संकल्पित होते चले गए कि नहीं यार इस देश को यदि बचाना है तो कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आना चाहिए, क्योंकि ये एक समुदाय ऐसा है, ये एक समूह ऐसा है जो जिसकी प्राथमिकता देश है। डॉक्टर यहां पर एक सवाल मेरे आ रहा है,
कि तीन अलग अलग धाराओं में, एक एमबीबीएस डॉक्टरी का पेशा, दूसरा राजनीति आपको प्रभावित कर रही है जहां पर अभी आप अंगद की पांव की तरह खड़े हुए हैं जमा करके पैर, और तीसरा यूपीएससी, इसमें तीनों में आसान आपके लिए क्या था, ज्यादा मतलब मुफीद आपको कौन सा साबित हो रहा था, और कहां लगा कि यह फैसला गलत था और कहां असफलता सामने आई? देखिए, सबसे आसान फैसला मेरे लिए पहला फैसला था जिंदगी का, एक डॉक्टर बनना, एक अच्छा चिकित्सक बनना, सर्जन बनना, वो हासिल भी किया, और यदि वो मैं करता तो मैं भी आज हो सकता है इस देश में नहीं होता, मेरे लगभग 55 साथी बाहर हैं और मैं उन सबका इस बात का मलाल है, कभी कभी होता है, कभी कभी वो इसलिए होता है तो कि ये क्यों होता है भाजपा में? हाँ। जो सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा चाहते थे या मिलना चाहिए थी, आपका हक था, वो नहीं मिल रहा।